तो यहाँ पे दो फोल्डर है, पोस्टर सुपीरियर, अगर हम यहाँ फिंगर से देखेंगे पोस्टर सुपीरियर, पोस्टर इन्फीरियर बोलते हैं, ठीक है, इनके दरमियान यहाँ पे होता है बेयर एरिया, ठीक है ये, और इसकी सर्फेसिस हैं सुपीरियर सर्फेस, इसको यूँ पकड़ा सुपीरियर सर्फेस, अगर इसको यूँ पकड़ेंगे तो ये इन्फीरियर सर्फेस यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे गॉल बेटर और क्वाड्रेंट होती है, सब चीज़ यहाँ पे सुपीरियर के ऑपोजिट इन्फीरियर, इंटीरियर सर्फेस, इंटीरियर के बिल्कुल ऑपोजिट, ये ऊपर इतना सा पार्ट यूँ होगा ना, पोस्टीरियर सर्फेस, वो इन्फीरियर है, ये पोस्टीरियर है, और एक होती है राइट लेटरल सर्फेस, टोटल पांच सर्फेसेज होती हैं, ठीक है, तीन चार लोब, थ्री बॉर्डर्स थे, इन्फीरियर पोस्टर सुपीरियर पोस्टर इन्फीरियर, चार लोब्स हैं, राइट लोब, लेफ्ट लोब, क्वाड्रेट लोब, क्वाड्रेट लोब, ठीक है, और पांच सर्फेसेज, थ्री फोर फाइव, ठीक है, और हाँ अब इसके ग्रूव्स देखो, ये वाला जो ग्रूव है ये मेनली ये है इन्फीरियर वेना के वहाँ, यहाँ से इन्फीरियर वेना के वगैरह ये निकलती है, ये इन्फीरियर वेना के वगैरह, ठीक है, और ये क्वाड्रेट लोब उसके इस तरफ जो ग्रूव है यहाँ पे लिगामेंटम विनोसम होता है, ठीक है, ये लिगामेंटम विनोसम, ठीक है, और फिर उसके बाद अब नीचे लिगामेंट्स पहले कर लो, ये जो क्वाड्रेट लोब है, क्वाड्रेट लोब सॉरी, इसके इस तरह ये होता है लिगामेंटम टीरिस, ठीक है, लिगामेंटम विनोसम, लिगामेंटम टीरिस, ये फैल्सिफॉर्म लिगामेंट जो दो लोब्स में इसको डिवाइड कर, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट जो ये पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन है, ये आगे जाके दो में जब इस तरह डिवाइड हॉरिजॉन्टली मूव करता है, इधर जब लेफ्ट लोब की तरफ जाएगा तो लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट बना देता है, लेकिन जब राइट लोब ही हॉरिजॉन्टली जब ट्रेवल करता है दो लिगामेंट बनाता है, सुपीरियर कॉरोनरी लिगामेंट और इन्फीरियर कॉरोनरी लिगामेंट, जब वो यूँ ट्रेवर्स करते हैं और फिर दोनों आगे जाके एक पॉइंट पे फ्यूज होके वो बनाते हैं राइट ट्रायंगुलर लिगामेंट, ठीक है, वो ऊपर फर्दर डायफ्राम के साथ अटैच होता है पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन, अच्छा, और लिगामेंट्स पूरे हो गए, पोर्टर पैटिस, इधर तीन चीज़ें हैं सबसे बड़ी, आप ये चाहे पोजीशंस ना भी अदर आइडेंटिफिकेशन आए थे, सबसे बड़ी ये है, ये जो ये है इसको फील पकड़ के देखें अगर, तो ये ना ये आर्टरी ना ये वेना, और ये बड़ी है इसके लूमन भी देखो, ठीक है, ये है बाइल डक्ट, ठीक है, बाइल डक्ट के लिए उसके पीछे जो बाइल डक्ट है ये राइट लोब की तरफ, हाँ पीछे पोस्टर इन्फीरियरली इसके नीचे प्रेजेंट होती है वेन, पोर्टल कौन सी पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन होती है, ठीक है, और उसके साथ होती है आर्टरी, आर्टरी बाइल डक्ट, पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी, वेन और हेपेटिक आर्टरी, ठीक है, और इम्प्रेशन थी राइट लोब है, ठीक है, राइट पर सबसे पहले अगर किडनी है, किडनी के ऊपर होता है सुपरा रीनल ग्लैंड, सबसे पहले ऊपर होगा इम्प्रेशन फॉर सुपरा रीनल, ठीक है, फिर किडनी के लिए और यहाँ पे होता है ड्यूडेनम के लिए इम्प्रेशन, ठीक है, और नीचे यूँ जो ट्रांसवर्स कोलन होती है यहाँ पे होता है हेपेटोकोलिक फ्रैक्चर, हेपेटिक फ्रैक्चर कहते हैं हेपेटोकोलिक फ्रैक्चर, ठीक है, और ये जो लेफ्ट लोब है इधर इसोफेगियल इम्प्रेशन होता है, इसोफेगस के साथ आगे क्या कॉन्टिट होता है स्टमक, मतलब वैसे अगर देखें स्टमक तो गैस्ट्रिक इम्प्रेशन स्टमक आगे आता है, ड्यूडेनम पार्ट स्टार्ट होता है पाइलोरस, ठीक है, यहाँ पे पाइलोरस इम्प्रेशन होता है, अब वहाँ पे अगर यहाँ पे कंटिन्यू करें तो इधर ड्यूडेनम थी ना, ड्यूडेनम इम्प्रेशन, तो ऐसे ये लिंक्ड है यूँ आते हैं, ठीक है, इसोफेगस गैस्ट्रिक इम्प्रेशन ड्यूडेनल पाइलोरस और यहाँ पे ड्यूडेनल इम्प्रेशन, और नीचे वही ऐसे ट्रांसवर्स कोलोन होती है ना इसके नीचे कोलोन, तो यहाँ पे कॉलिक इम्प्रेशन और यहाँ पे आगे वो हेपेटोकोलिक फ्रैक्चर बनाते हैं, ठीक है, ये इम्प्रेशन है, बाकी कंप्लीट हो गया।